दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस वक्त सिवनी छिंदवाड़ा रोड में। ये मेरे पीछे आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं। इस वक्त इस रोड के जो हाल हैं मैं आपको बता नहीं सकता क्या कंडीशन है इस रोड की। मेरे पीछे जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये गड्ढे जो आपको देख रहे हैं ये थोड़े नहीं हैं बल्कि एक लंबी दूरी तक ये गड्ढे आपको नज़र आएंगे। आप जो पीछे देख रहे होंगे इन गड्ढों को देखिए काफ़ी, और यहाँ तक ही नहीं जब आप इस साइड भी नज़र दौड़ाएंगे तो इस रोड के यही हाल हैं। ये सिवनी छिंदवाड़ा रोड है, ये मैं फुलारा के पास खड़ा हूँ। 1 किलोमीटर बाद देखिए ये टोल गेट का बोर्ड लगा है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन करके दिखाता हूँ। और आगे जब जाएंगे आप तो इस रोड के हाल और भी ख़राब नज़र आते, पूरी रोड में गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे। जब आप इस रोड से निकलेंगे तो आपकी गाड़ी का ख़राब होना लगभग तय है, कुछ ना कुछ तो नुकसान आपकी गाड़ी को होगा ही। किसी समय ये रोड बड़ा ही क्लीन हुआ करता था, आज की कंडीशन में इस रोड के हाल बेहद बुरे हैं। ये अलग बात है कि इस रोड पर लोगों की नज़र नहीं पड़ती। अभी मैं चलते चलते आपको कई जगह इसके गड्ढे और आगे भी दिखाऊंगा। फुलारा से निकल रहे हैं और फुलारा के आगे मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि क्या कंडीशन है इस रोड। आप देख सकते हैं मेरे सामने जस्ट बड़ा गड्ढा है, कितनी दिक्कतें गाड़ियों को यहाँ से आने जाने में हो रही है। फिर ये एक और बड़ा एक गड्ढे का एक सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसे कई सिलसिले इस रोड में मिलते हैं। फुलारा से होते हुए मैं पहुँचा हूँ कातलबोड़ी में। कातलबोड़ी, अब कातलबोड़ी में मेरे पीछे कुछ युवा खड़े हैं, मैं इनके पास आया हूँ, पानी गिर रहा है तो ये लोग इकट्ठा हो गए हैं यहाँ। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या कंडीशन है इस सड़क पे गुजरते हुए, उन्हें कैसा महसूस होता है इसके बारे में पूछना। मैं आपका ये लालू डहरिया। लालू जी कहाँ रहते हैं आप? कहीं रहते हैं भैया। अच्छा, ये रोड से जब निकलते हैं तो कैसा फीलिंग होती है गड्ढों को देख के? बहुत गड्ढे यार, गाड़ी खराब हो जाती कई बार, कहीं गिरते हैं कई एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट हो रहा है, डर भी लगता है कभी कभी, हम ही खुद ना गिट्टी फैला के दिक्कत कर दी है। छोटा छोटा थी आधी रोड के किनारे तक। अच्छा, जब चलते हैं तो गड्ढों में कभी ऐसा हुआ आपके साथ की गहराई का अंदाजा ना हो? ना हो, कुछ जाती कई बार। क्या कंडीशन रोड की, कंडीशन पे क्या कहेंगे आप? आप बताइए ना। बहुत कंडीशन खराब है। खराब है? हाँ। अच्छा, आप क्या कह रहे थे अभी? भैया बहुत बेकार रोड है यार। बेकार रोड है? हाँ। 6 महीने नहीं हुए इसके बने। 6 महीने नहीं हुए, अभी नई रोड है। नई रोड है, मतलब भ्रष्टाचार का शिकार है। कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? मस्तराम सनोड़िया जी। तो ये बताइए, ये जो रोड की कंडीशन है इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, कभी कुछ दुर्घटना उर्घटना हो ही रही है? बहुत एक्सीडेंट ज़्यादा है ना, सिवनी जाते समय भी हुआ क्या? हाँ, होते हैं। अच्छा, फुलारा के पास उधर अपना आना जाना कम होता है, बहुत खराब हुई है। जो रोड में गड्ढे हैं सिवनी छिंदवाड़ा रोड में, आप चूंकि मातृधाम में बैठे हैं, दुकानदार हैं, कितने ऐसे केस आते हैं क्या गिरे पड़े वाले ऐसे? रोज का काम है भैया। हाँ, रोज का काम है, एम्बुलेंस यहाँ से दिन में 10 बार टक्कर लगाती है। ऐसा? हाँ, कम से कम। क्या कंडीशन है गड्ढों की? गड्ढे तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, एक से बचो तो दूसरे में जाने ही जाना है। मतलब एक से बचे तो दूसरी तरफ जाने ही जाना है, इतने सारे गड्ढे कितने बचे। अच्छा, पहले ये रोड तो अभी टूट के बनी है ना, जब उखाड़ के फिर से बनी है? हाँ, अभी गर्मी में बनी हुई है। अच्छा, पहले 4 से 6 पहले की रोड में ऐसे गड्ढे थे? नहीं थे, मगर कम थे। हाँ। और वो कुछ ठीक थी, ये तो बर्बादी है ना, जबकि उखाड़ के नया रोड बना। नया रोड बनाया हुआ है। चलिए,